तो हिमाचल प्रदेश में वीरवार से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो चुका है। ऐसे में देर शाम पीटरहॉफ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। सीएम जयराम ठाकुर ने अनुराग ठाकुर का स्वागत यहां पर किया है। पीटरहॉफ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, फूलमालाओं के साथ अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सुरेश कश्यप समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस भव्य स्वागत में जुटे। हमारे विरोचि विकास शर्मा ने अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। करने के लिए इस समय मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आज की ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए? कैमरा कहाँ है आपका? है, मैं पहले तो हिमाचल की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी, प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी और प्रोत्साहित किया है कि देश के प्रति और लगन के साथ काम करूं, हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ कर पाऊं, ऐसा मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कार्यकर्ता तो एक और आम जनमानस ने भी सड़कों पर निकलकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत भावुक भी करता है और कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता है। चारों लोकसभा सीटों में आप जब जाएंगे दौरा करेंगे, मैं 5 दिनों में 623 किलोमीटर की यात्रा करूंगा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने कार्यक्रम ये बनाया है संगठन के माध्यम से। प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का और भविष्य में उनकी समस्याओं का समाधान करने का। इनसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो 623 किलोमीटर की जो ये यात्रा है ये यहाँ पर हो गई और ऐसे में निश्चित रूप से जो चारों लोकसभा की सीटें हैं वो यहाँ पर उनका दौरा जो है वो यहाँ पर करेंगे और ऐसे में जनता का आशीर्वाद वो उनको यहाँ पर मिलना है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।